अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिशरी सी फूड। आज है 30 नवंबर 2022 और ये शाम की मार्केट है, हेले की मार्केट कहलाती है, जो फ्रेश मछली की मार्केट होती है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको सी फूड के हवाले से वीडियोस मिलती रहें, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को विज़िट करें। जज़ाकअल्लाह। ये देखें, ये होता है असल हीरा, गोल्डन स्नैपर, और ये होता है दोगला हीरा क्रॉस ब्रिड। ये 1100-1100 रुपये किलो पड़ता है, ये 650-650 रुपये किलो पड़ता है। तो अगर आप खाएंगे जायका दोनों का सेम है, कोई आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो ये एक चीज़ है, अगर आपको हीरा खाना है आप ये खाएं, कोई जायका का वो नहीं है। इसके सिर्फ लाल कलर होता है, ये गोल्डन है, बाकी इसका ना ये ब्लैक स्पॉट होता है, इसके भी ब्लैक स्पॉट होता है। ये असल में क्रॉस ब्रीड है। ये देखें, ये कनर्च है और ये हीरा है, इन दोनों की क्रॉस ब्रीड है ये क्रॉस हीरा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, आप सस्ते में भी हीरे का जायका ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये काला गुंद रखा है 400 रुपए किलो, ये गुंदे गुंदे आज। ये डोरेडो 550 रुपए किलो, बिल्कुल ताज़ा है। ये जो चमक होती है ना इसकी, ये ताज़े की पहचान होती है। ये वाइट गुंदे 800 रुपए किलो, ये वाइट है, इसकी दुम पीली होती है, और ये ब्लैक होता है, ये पूरा ब्लैक होता है। ये आपने किलो के अंदर वाला पीस लेना वरना काला हो जाएगा। ये आपने 5 किलो के अंदर वाला लेना। ये अंबर चेक है, इसको साफ़ी भी बोलते हैं, कोस्ट गार्ड भी बोलते हैं। 650-700 रुपये ये रेट चलता है इसका। ये देखें मछली का जादू, ये एक मछली होती है, आप इसको ज़मीन पे चिपकाएं और उठा के दिखा दें, आप नहीं उठा सकते, ऐसी चिपकती है ये। इसकी लॉजिक क्या है ये फिर कभी बताऊंगा। ये टूना मछली है, ये भी 400 रुपए किलो है। वाइट का पता नहीं, मैंने रेट बताया था नहीं बताया था, शायद 800 रुपए किलो है। ये दंडिया मछली है 550 रुपए किलो, बिल्कुल ताज़ी है। ये देखिए, ये देखें इसकी ये ताज़ी आँख और ये इसकी शाइनिंग, ये दुम देखें। ये छोटा साइज़ है इसलिए 550 रुपये किलो, ये बड़ा साइज़ है, ये एक्सपोर्ट होता है, ये रेट डबल हो जाता है उसका। ये शुरू में ही है बड़े साइज़ में, 4 किलो से लेके 8 किलो तक, 1350 रुपये किलो। ये धोतर 1100 रुपये किलो, ये भी तकरीबन फ्रेश है। ये काला पापलेट है, ये ए ग्रेड है, कराची वाला, वरना नॉर्मल ये बलूचिस्तान से आता है, 1100 रुपये किलो। ये चकोरी मछली है, ये बी ग्रेड हो गई है। अगर आपको ए ग्रेड मिल जाए और आप ये खाएं, आपकी रूह को तस्कीन पहुंच जाएगी, ऐसा जायका होता है इसका। इंडिया वाले इतने पागल हैं, जो मछली पकड़ने आते हैं और पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, वो इसी मछली के पीछे आते हैं ज़्यादा। बिल्कुल ये मछलियों की बर्फ़ी कहलाती है, इसी को लोग लोकल मार्केट में हीरा बोल के भी बेचते हैं, लेकिन इसका नाम है चकोरी। इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्रेड फिन ब्रीम, मतलब ये दंडिया की फैमिली में से है। समुंदरी बाम, ये जो सांप जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 350-350 रुपए इस रेट पे बिकते हैं, लेकिन इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं मीठे पानी की तरह। अच्छा, ये किसी ने पूछे थे सुरमई के बच्चे, ये एक आधा किलो से 1 किलो तक वाले, 600 रुपये रेट है इनका।
संगरा कोबिया, ये देखें तकरीबन 5 फीट की मछली है, 850-900 रुपये रेट है इसका, और ये बाकी इसके बच्चे रखे हुए छोटे। ये देखें किलो में 2 से 3 वाली 2400 रुपये किलो। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको मज़े की, ये देखें कैसा पापलेट की फोटोकॉपी पीले कलर में, ये ओरिजिनल पापलेट नहीं है, लोग इसको भी पापलेट बोल के बेचते हैं। ये छोटा साइज़ है किलो में 3 वाला, और इसका रेट है मेरे ख्याल में 1700 के आसपास है, और ये किलो में 4 वाला है, ये 1400-1500 में होगा। दुकानदार भी यही रेट में ले जाता है 600-650। ये देखें ये 600 रुपये किलो है, ये सुनाफ के बच्चे हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन सुनाफ है पापलेट नहीं है, लेकिन इसके पर शक्ल आप देखें हर चीज़ इसकी पापलेट की तरह है। ताज़ी मछली ना पकड़ने भी बड़ा मसला होता है, स्लिप होती है। ये देखें इसकी शक्ल देखें और इसकी शक्ल देखें, ये ले शार्क मंगरा 350 रुपये किलो, ये उलड़ी धोतर है 550 रुपये किलो, जंगली धोतर। ये केकड़ा 500 रुपये सबका। ये मुल्ला मछली है 600 रुपये किलो। ये हीरा मछली है 1050। ये रिंजी खग्गा है, एक नॉर्मल खग्गा होता है, ये रिंजी है जिसका गोश्त वाइट होता है, ये है 400 रुपये किलो। देखिए ये रिंजी है सिल्वर सिल्वर, और ये नॉर्मल खग्गा है, इसका गोश्त लाल होता है, इसका वाइट होता है।